जय हिंद सर। फौरन थाना पहुंचो, जरूरी मीटिंग है। का भाई सर? कल काउंटिंग होना है, रामपुर सेंसिटिव क्षेत्र है, फौरन पहुंचो। पर इतना रात के? सुमन को इन नहीं होगा, फौरन पहुंचो, इट्स माय ऑर्डर। जी, जय हिंद सर। रामपाल जी। हजूर। डीआईजी साहब के कैसे पता कि सुमन यहां भैया? हमके तो दाल में कुछ काला लागा था। अब जल्दी कुछ करी हुजूर। हम सोच ले बानी का करे के बा। जौन प्लानिंग काल खाती भइल रहे उ सब आजे हुई। अब मतलब? सुमन तू तैयार बाड़ू? लगा ला। बेबी जाके ढूंढ करो लेके चला ओकरा घर भूल जाए। हां इतना छटपटा रही तू मालिक मालिक क्यों नहीं के वहां सब भाग गई तू सब कहीं नहीं कैसे मिला भैया ले चला चल उठा ला चला कथा मर जवानी आया रानी जैसे की पलटी। रामपाल जी। हजूर। लैपटॉप ले आए। ना ना ठीक बा, अब तो दुद्दू को जिम्मेदारी उठावे के पड़ी। अरे चल, चल चल बाबूजी। जी ठीक बा। बाबूजी हम फोन कर देंगे वहां के। बाबूजी हमार सुमन, बाबूजी हमार सुमन मिल गई। बाबूजी बहुत तंग कर लेगी हमरा के, लेकर फैसला रुआ कहीं बाबूजी। लड़ाई के पीछे कौनो न कौनो औरत के हाथ होगेला। ये बात आज हमार बेटा साबित कर देलस। शाबाश बेटा, करे ते अपन बाप के फोन काटत रहले। बाबूजी सुमन हमारे हाथ से बालू नियर निकल जात रहे, का करती बाबूजी हम इतर जा देती। देख बेटा अब हमनी के खाली पहलवान नहीं की, तोर बाप ये इलाका के विधायक बने जा रहा बा, और राजनीति में इंतजार बहुत जरूरी होला, का समझ ले? माफ कर दी बाबूजी, दोबारा ऐसा गलती ना होगी। और सुन, ये घर पे कौनो आंच ना आवे के चाहिए। कैसे के घर पे आंच आई तो दरोगा ना आई, दरगोवा ना आई तो खेल में मजा ना आई। बाबूजी भैया तो सुहाग रात खातिर पूरी तरह मूड बना ले रहले। बाबूजी सुहाग कान खोल के सुन ला जा, कल चुनाव के काउंटिंग बा, ओकरा बाद रिजल्ट। कल तक बार में मजा ले ला लोग, और रह गई सुहाग रात के बाद परसों जीत के खुशी में दंगल।
जा सबके सामने, तोर बाप तोर बिया कराई। अब खुश हमरे बेटा से बिया कर भी कि ना? ना, तोहर बेटा के ई सपना कबो पूरा ना होई। लोहा सिंह एगो शेर के नाम हा, उस शेर हा एके बार में नचा रहे का कह लिया? वो शेर हत कौन गिदड़ है हमरे मोहब्बत कविता में इतना बुरा हो कि बार में नाचे लायक ही भाड़े। चल बार में चल चल चल। रामपाल जी। हजूर। जब रावण सीता जी के हर के ले गेल रहे तो ओकरा पर सनिचरा चढ़ल रहे, काल पहलवान पे चढ़ी। My heart.